सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर अब हम यही बात कर रहे थे कि हम आजादी बचपन में प्रभात फेरी में नारे लगाते थे, 15 अगस्त आज है, स्वतंत्रता दिवस आज है, महात्मा गांधी अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, उसके आगे तो बढ़ नहीं पाते थे, बस इतनी तक सीमा होती थी कि गांधी और नेहरू ने मिलकर के आजादी दिला दी और किसी का कोई योगदान था नहीं। सालों तक यही हुआ, 14 अगस्त आएगा, 14 अगस्त का 15 अगस्त, 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त, 16 अगस्त के बाद फिर ऐसे ही, फिर दोबारा फिर 26 जनवरी आएगा, हम अपना गणतंत्र दिवस की याद कर लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीज की याद दिलानी शुरू कर दी, 14 अगस्त, विभाजन की विभीषिका, ये समझने के लिए कि 15 अगस्त यूं ही नहीं आया है। उससे पहले जो 14 अगस्त आया, तो 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले का वो 14 अगस्त 1947, विभाजन की विभीषिका जिसने पूरे पंजाब को तबाह किया, लोग जो है किस तरह से काट काट करके भेजे गए, वो विभीषिका थी, हम उसे याद करते हैं। लेकिन 16 अगस्त को बिल्कुल भूल जाते हैं। 16 अगस्त जिसने 14 अगस्त और 15 अगस्त की बुनियाद रख दी, भारत विभाजन की बुनियाद, भारत की तबाही की बड़ी बुनियाद, वो लोग जिनका जिनकी कोई भूमिका नहीं थी, यहां जिनने पाकिस्तान मांगा वो यहां रह गया, और नहीं सिर्फ पाकिस्तान मांगा, रेलवे की जमीन अन सब चीज पे कब्जा करके अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। आज उन्हें लगता है कि वही किसी के बाप का थोड़ी ना है, हिंदुस्तान है, ऐसा कहते हैं। लेकिन डायरेक्ट एक्शन जिसकी बुनियाद, जिसपे गांधी ने भी कह दिया कि मैं कुछ कर नहीं सकता, उसमें एक महावीर की भूमिका आप हमें याद दिला रहे थे, आज व्यूअर्स से उसे साझा कीजिए कि डायरेक्ट एक्शन को क्यों 14 अगस्त के विभाजन की विभीषिका की तरह याद किया जाए, और उस महावीर, उस गोपाल पाठा को, खास के तब जब मीम भीम समीकरण की साजिश होती है। सर हाँ मनीष जी, ये भारत जो ये अभी हम लोग जिस डायरेक्ट एक्शन डे का जिक्र करने जा रहे हैं, उसको हिंदुस्तान के इतिहास में बिल्कुल दबा दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में कत्लेआम हुआ था कि वो दब नहीं सका, मगर वो कभी प्रमुखता से उभर कर सामने आया, क्योंकि वो कत्लेआम उस झूठ की धज्जियां उड़ा देता है जो कांग्रेस ने आजादी के समय, आजादी के बाद से लगातार 60-70 साल इस देश को एक झूठ की घुट्टी पिलाने की, कि वो जो आपने अभी कहा कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, तो वो ये आजादी बिना खड्ग बिना ढाल के नहीं मिली थी, कितने बलिदान के बाद मिली थी, कितने निर्दोषों के कत्ल के बाद मिली थी, और ठीक हमारी आजादी से ठीक 1 साल पहले। और जो आपने कहा कि गांधी ने कह दिया था कि मेरे मुझसे मतलब नहीं, गांधी की इसमें बड़ी धूर्त भूमिका थी मनीष जी, बहुत धूर्त भूमिका थी। लेकिन दर्शकों को बताऊंगा कि और दूसरे ये जो मुसलमान भाईचारा के सबने मिल के आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और हिंदू मुस्लिम सब एक साथ एक थे, और जो गंगा जमनी तहजीब, ये झूठ का पहाड़ा पढ़ाते हैं, उस पर जिस मुस्लिम लीग का ये गाना गाते हैं, उस मुस्लिम लीग ने कितने हजारों लोगों को किस तरह से सड़कों पर कत्ल किया था, ये सारा क्योंकि इनका कच्चा चिट्ठा खुल जाता, तो इसलिए उसको एकदम हमेशा डाउन प्ले, दुनिया भर की बातें करते रहे, लेकिन इन्होंने कभी कलकत्ते की सड़कों पर जो कत्लेआम हुआ उसका क्या किया, और उस कत्ले आम के बाद जो मनीष जी की भूमिका थी वो बहुत धूर्त भूमिका थी, खासकर उस मोहनदास करमचंद गांधी की। तो आज मैं कुछ चीजें पढ़ के सुनाऊंगा दर्शकों को, क्योंकि वो सीधे ऐसे बताऊंगा तो आपको नहीं आएगा, लेकिन जरा पढ़ के कि क्या खेल हुआ था। मनीष जी, जिन्ना ने कहा था कि 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे होगा, और उसने क्यों किया था, जो कहते ना बहुत सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते, तो दर्शक ये जान लें कि 16 अगस्त को जिन्ना ने क्यों चुना था, 16 अगस्त 1946 को। उसमें मनीष जी उसने उसका कारण बताया था कि 16 रमजान का महीना चल रहा था, ये जरा उस ममता बनर्जी के मुंह में भी उसके उस बयान पे स्याही पोत देता है, जो उसने कहा था ना कि रमजान में मुसलमान कभी गलत काम नहीं कर सकता, ये हिंदुओं ने ही दंगा किया है, उसने अभी इसका बड़ा फेमस हुआ था वो बयान, जी वो जी क्योंकि ये इतिहास का ये पन्ना उस ममता बनर्जी की धूर्तता और झूठ की धज्जियां उड़ा देता है, क्योंकि ये रमजान का महीना था, 18वीं तारीख थी रमजान की और जुमे का दिन था, और उसका कारण बताया था जिन्ना ने 16 अगस्त को इसीलिए चुना था कि रमजान के 18वां महीना है, और इस दिन बद्र की लड़ाई हुई थी मोहम्मद साहब के समय में, और उन्होंने काफिरों पे हमला करके काफिरों को मारा था, तो इसलिए हम भी 18 रमजान की 18वीं तारीख को का जुम्मा भी है, उस दिन हम काफिरों पर हमला करेंगे और काफिरों का सफाया कर देंगे कलकत्ते से। और मनीष जी बहुत संगठित तरीके से उस दिन पूरे कलकत्ते के मुसलमानों को ये आदेश दे दिया गया था, संदेश भेज दिया गया था कि तुम लोग अपनी दुकानें नहीं खोलोगे। कांग्रेस ने संदेश दिया कि हिंदुओं तुम लोग दुकानें जरूर खोलना, क्योंकि हमें इनका विरोध करना। जरा देखिए कैसी सदाबदी है,
और मैं इसको मिलीभगत क्यों कह रहा हूँ, इसको अभी अगला चरण जब बताऊंगा तो मनीष जी समझ में आएगा। तो हिंदुओं ने और दिनों की तरह अपनी दुकानें खोली और स्कूल भी खुले उनके, मुसलमान स्कूल और मुसलमान दुकान बाजार बिल्कुल बंद, जैसे कर्फ्यू हो। और उसके बाद मनीष जी करीब 1200 उसने नेशनल गार्ड बुलवाए थे पाकिस्तान से, जो जो सिर्फ हत्या करने के ही एक्सपर्ट थे, और उसके अलावा 10,000 के करीब जो है वो ढाका इधर उधर से हत्यारे बुलाए गए थे, जो पेशेवर हत्यारे थे, अपराधी थे, उनको बुलाया था जो मुस्लिम अपराधी थे। और पूरे उसने बंगाल से आह्वान किया था कि सारे सब मुसलमान आकर यहाँ इकट्ठे हो, डायरेक्ट एक्शन डे हमें करना है। और उसकी तैयारी का मनीष जी जरा समझिए कि जिन्ना ने अपना मुखपत्र स्टार ऑफ इंडिया में लिखा था कि मुसलमानों को यह याद रखना चाहिए कि रमजान में ही अल्लाह ने जिहाद की अनुमति दी थी, यह रमजान में ही था कि बद्र की लड़ाई इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच पहला खुला संघर्ष था, 313 मुसलमानों द्वारा लड़ा और जीता गया था, और 10,000 मुसलमानों ने मक्का पर विजय प्राप्त की थी, स्वर्ग के राज और राष्ट्रमंडल की स्थापना की, अरब में इस्लाम का मुस्लिम लीग सौभाग्यशाली है कि वह इस पवित्र महीने में अपनी कार्रवाई शुरू कर रही है। ये जिन्ना के ने अपने अखबार में लिखा था। और उसके अलावा मनीष जी कलकत्ते का मेयर था उस समय सैयद मोहम्मद उस्मान, उसने कहा था कि उसने एक बाकायदा जियो जारी किया था अपने ऑफिस से कि उस जिसमें कहा गया था कि काफिरों तुम्हारा अंत दूर नहीं, तुम्हारा नरसंहार किया जाएगा। ये उसने मनीष जी 16 अगस्त से पहले बाकायदे अपने एक आदेश जारी किया था, एक संदेश जारी किया था, चिट्ठी उसने ऑफिशियल चिट्ठी उसकी जारी हुई थी। और उसके बाद मनीष जी 16 अगस्त को दर्शकों को अभी गूगल पे चले जाइए तो फोटो मिलती है कि आपको इस तरह से वो जो फोटो है उस दौर की है कि सड़क पे, फुटपाथ पे, पार्क पे इस तरह से लाशें बिखरी हुई थी, कोई लाश उठाने वाला नहीं था क्योंकि आतंक इतना था। और ये 3,000 तो ऑफिशियल फिगर है, कुछ लोग कहते हैं 5,000, कुछ लोग कहते हैं 10,000, यानी दिल्ली दंगे की हम लोग बात करते हैं, इसका बाप था वो कलकत्ते में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं का किया गया नरसंहार। और उस नरसंहार को ये समझिए कि जरा कांग्रेस जो कहती है कि मेरा कोई लेना देना नहीं, ये गांधी और नेहरू जो माउंटबेटन के साथ बैठ कर टेबल पर चाय पीते थे, इनकी मनीष जरा मिली भगत समझिए कि कलकत्ते में जो उस समय का वायसराय था माउंटबेटन, उसका बताते हैं कि आदेश हो गया था कि कलकत्ते में सेना के होते हुए सेना को कहा गया था कि तुम उस दिन बैरक में ही रहोगे। वो सोहरावर्दी क्योंकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करता था बंगाल का, तो उसने पुलिस को आदेश दिया था और उसने बकायदे लिखित उसका उसका लिखित दस्तावेज है कि उसने कहा था कि जो हत्यारे बुलाए थे कि तुम लोग निश्चिंत रहो, पुलिस को आदेश दे दिया गया है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। यानी अनाथ छोड़ के नियत हिंदुओं पे, निर्दोष हिंदुओं पे वो हत्यारों की भीड़ टूट पड़ी थी। 5,000 10,000 भगवान जाने कितने मारे गए, 3 तो 3,000 तो सरकारी दस्तावेज बताते हैं, जो लाशें उठाई नहीं गई थी, सड़कों में बिखरी पड़ी थी, गूगल पे आप लोग चेक कर लेंगे। लेकिन मनीष जी ये हत्याकांड चलता रहता, उसको एक वही के एक उस समय की उसी मुस्लिम लीग के नेता का ही एक बयान आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उसने जो लिखा है, उसने गोपाल पाठा की भूमिका यहाँ से मनीष जी शुरू होती है कि 17 अगस्त को गोपाल पाठा ने भारत जैती वाहिनी में अपने युवकों के साथ हिंदुओं की रक्षा करने की योजना बनाई। और यास्मीन खान ने द ग्रेट पार्टीशन में लिखा है कि हमने सोचा था कि अगर पूरा क्षेत्र पाकिस्तान बन गया तो अधिक अत्याचार और दमन होगा, इसलिए मैंने अपनी सभी लड़कों को एक साथ बुलाया और कहा कि अब जवाबी कार्रवाई करने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी देशभक्ति करते हुए माला, जिसके 18 से 20 तारीख तक गोपाल पाठा और उनके लोगों ने मुस्लिम लीग के हमलावरों को अधिक नहीं तो समान मात्रा में नुकसान पहुंचाने लगे। ध्यान देने की बात यह है कि मुस्लिम लीग के विपरीत गोपाल पाठा ने मुस्लिम महिलाओं और बच्चों या वृद्धों या अवशक्तों को नहीं छुआ था, लेकिन प्रतिशोध के केवल 2 दिन बाद 19 अगस्त तक मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। इसके बाद 21 अगस्त को बंगाल में वायसराय का शासन लागू कर दिया गया था। इस आदमी ने मनीष जी ये फोटो जिनकी है, गोपाल पाठा, ये जब निकले अपने दल के साथ तो इन्होंने मुंह तोड़ उत्तर दिया और तब वो मुसलमान थर्राए हत्यारे वो भागने लगे और तब वायसराय शासन वहां लगा। लेकिन मनीष जी जरा ये दर्शकों को बगल में भी दिखा दीजिए, जनसत्ता के पत्रकार का ट्वीट है 1 साल पुराना कि इन गोपाल पाठा के साथ, जहां पहले पढ़ दीजिए उसके बाद भी बता दीजिए ये। सन 90 से 93 तक कोलकाता के जनसत्ता में रहा, लेकिन मुझे पता नहीं लगा बंगाल दंगों के महानायक गोपाल पाठा जीवित हैं। अरे, उनका निधन 2005 में हुआ। इसका कारण भारत के प्रति, अपने समाज के प्रति मेरी उदासीनता है। जो उदासीनता है, वो उदासीनता जो अभिजात चेतना प्रायोजित है,
उससे ना मिलने का दुख है। ये तो मुझे भी, मतलब 2005 तक ये जिंदा थे गोपाल पाठक। गोपाल पाठा जी ले कलाई खुल जाती ना, कांग्रेस की भी, मुस्लिम लीग की भी, और हिंदू मुस्लिम एकता की, और गंगा जमुना तहजीब की, तो ये जरा सोचिए। अब ये जनसत्ता के करेस्पॉन्डेंट थे उस समय, ये तब लिखा है उन्होंने, फोटो भी है। ओ, ये तो बहुत पीड़ादायक है, इसको बहुत पीड़ादायक। ये मीम मीम करने वाले लोगों को भी मुझे लगता है कि समझना चाहिए कि गोपाल पाठा का बलिदान क्या है इस देश में। बचपन से हमें तो यही सिखाया गया कि बस गांधी नेहरू के भारत को कैसे कोई बहकाए। और ये उसी बंगाल में जहां जोगिंदर नाथ मंडल था, वहीं एक दलित गोपाल पाठा थे। नहीं मनीष जी, अगर ये दर्शक जान ले कि जरा आप डिटेल में जाइएगा, तो आप गोपाल पाठा ने वो काम किया था कि जो मैं बता रहा हूँ कि कलकत्ते में हजारों हिंदू एक दिन में कत्ल कर दिए गए थे। ये संख्या हजारों में नहीं, ये संख्या लाखों में होती। ये अकेला आदमी जिसने, जिनका अपना एक दल था, अपना एक वो गुट था, और ये जब सड़कों पर निकले तो 2 दिन में उनके दांत खट्टे कर दिया। इतिहासकार लिखते कि बराबर का जवाब दिया और भाग खड़े हुए वो मियाँ। और जब उनको मार पड़ने लगी मनीष जी, उसके आगे कांग्रेसी कुकर्म और उस मोहनदास करमचंद गांधी की करतूत का बताता हूँ। ये भी दर्शक सुन ले, मैंने को पढ़ना ही पड़ेगा, कि हरे कृष्ण शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक, हिस्टोरिको पॉलिटिकल रिट्रोस्पेक्शन ऑफ डीड्स ऑफ सिंगल आइड महात्मा गांधी के ऊपर है मनीष जी। ये कि गांधी जी वायस राय की शाही गाड़ी में घटना स्थल पर पहुंचे, शांति और अहिंसा की अपील की, और मुसलमानों के अज्ञानपूर्ण पाप को क्षमा करने को कहा कि इनको भूल जाओ, इनको क्षमा कर दो, जिन्होंने हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था, कि उनके क्षमा करने को कहा। तब गोपाल पाठा ने उनके उपदेश और अहिंसा के अर्थ को मानने से इनकार कर दिया, और महात्मा गांधी से कहा कि गीता हमें उपदेश देती है कि जो अत्याचार और अत्याचार को सहन करता है वह अत्याचारी से अधिक पापी है, और गीता के अनुसार अहिंसा का सही अर्थ हिंसा का अंत करना है। गोपाल पाठा ने गांधी जी से आगे पूछा कि जब मुसलमान हिंदुओं को क्रूरता से मार रहे थे, तो वे अपने प्रिय मुसलमानों को अहिंसा का उपदेश देने क्यों नहीं आए। और आगे कहा कि अब नोआखाली जाकर देखो कि तुम्हारे प्यारे मुसलमान वह हिंदुओं पर किस प्रकार की अहिंसा का आचरण कर रहे हैं। तुम एक आंख वाले पूर्वाग्रही महात्मा हो। ये था गोपाल पाठा का चरित्र, ये था गोपाल पाठा का व्यक्तित्व, जिन्होंने गांधी का मुंह काला कर दिया था जब ये वहां पे अहिंसा की नौटंकी चलाने गया था, जब हजारों हिंदुओं की लाशें जल गई, और जब पलट के जवाब दिया जाने लगा, तो ये पहुंच गया वहां पे अहिंसा की, अपनी दुकान खोल के अहिंसा की पोटरी, कि इनको क्षमा कर दो। वो इसको शर्म नहीं आई थी इस मोहनदास करमचंद गांधी को, कि ये कह रहा था कि हत्यारों को क्षमा कर दो, इनके पाप भूल जाओ। तब गोपाल पाठा ने क्या जवाब दिया, वो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया है। तो ये मनीष जी, गोपाल पाठा को 1947 से 2005 तक समझिए, इन कांग्रेसी शासन में 50-60 साल में बिल्कुल ब्लैक आउट कर दिया गया। उस आदमी की घनघोर उपेक्षा की गई, क्योंकि उसके ये कारनामे जो थे, ये गांधी और नेहरू और कांग्रेस और गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सद्भाव और सबने मिलकर आजादी की लड़ाई थी, ये पूरा पाखंड जो 60-65 साल इस देश को पढ़ाया गया, जिस पूरी उसके आंखों में पट्टी बांधी गई, जिस पाखंड की, उस पाखंड की धज्जियां उड़ा देती है गोपाल पाठा की कहानी, कि गांधी से उस आदमी ने कहा था। और दर्शक जान ले, ये जब वाइस राय की शाही गाड़ी में मेहमान बन के पहुंचा था, दामाद बन के अंग्रेज सरकार का, मोहनदास करमचंद गांधी, तो मनीष जी मालूम है, ये आपको जो फ्रीडम एट मिडनाइट किताब है, जो फ्रांसीसी पत्रकारों ने लिखी, उसमें इसका वर्णन है कि ये अपने एक बगल में हुसैन सईद सुहरावर्दी, और दूसरे बगल में उस मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, यही दोनों हत्यारे थे। और ये दर्शक जान ले कि हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि इतना बड़ा नृशंस हत्याकांड था कि इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी, और हुसैन सईद सुहरावर्दी को बुचर ऑफ कलकत्ता कहा जाता है आज भी, उस हत्याकांड के समझिए 76-77 साल बाद, और उसको बुचर ऑफ हिस्ट्री ही लिखा जाता है, बुचर ऑफ कलकत्ता। और उस आदमी को ये अपने एक तरफ सुहरावर्दी और दूसरी तरफ मुजीबुर रहमान को लेकर, ये महात्मा गांधी, महात्मा कहना तो खैर उस आदमी को अपने आप को अपमानित कर रहा है, महात्मा शब्द का अपमान है जो उसको महात्मा कहे, मोहनदास करमचंद गांधी, इन दोनों को लेकर मनी जी शांति की अपील करने निकला था कलकत्ते की सड़कों पर, वायस राय की गाड़ी पे और पुलिस के संरक्षण में, ये हिंदुओं को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने निकला था। जिन इन हिंदुओं की घरों औरतें विधवा हो गई थी, हजारों हिंदुओं की,
और पता नहीं कितने बलात्कार हुए थे मनीष जी उसमें, ये बड़ा नृशंस कांड है। तो इसीलिए कहा 16 अगस्त की तारीख को अगर आप भूलते हैं तो आप अपने उस इतिहास को भूलते हैं और आने वाले खतरों को भूलते हैं, उनसे पट्टी बांधते हैं कि किस तरह से वो गंगा जमनी तहजीब और सांप्रदायिक सद्भाव जो बताते हैं उसको नंगा किया था गोपाल पाठक। इतना ही संतोष था, ये अगर ये पहुंच ना गया होता वायस राय की फौज लेके गांधी वहां पे अहिंसा शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने, तो उनको जवाब मिल गया होता। और जवाब उन्होंने 17 और 18 तारीख को गोपाल पाठा ने दिया था, और वो जवाब भी बहुत भयंकर था, बिल्कुल जैसे भगवान शिव ही उतर आए थे। लेकिन और जरा मनीष जी सोचिए, ये अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाने गया था लेकिन पुलिस की फौज लेके गया था अपने साथ, बंदूकधारी पुलिस लेके गया था, ये कितना ढोंगी था। अरे बड़ा इसको अपनी अहिंसा और शांति बड़ा विश्वास था, तो निकल पड़ता दिल्ली ट्रेन पकड़ता सीधे पैदल निकलता, तो ये पैदल नहीं निकला, ये बाकायदे वायसराय का मेहमान बनके उसका दामाद बनके और उसकी फौज लेके ये कलकत्ता में शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने, उन हत्यारों को क्षमा कर देने की सीख देने हिंदुओं को गया था कलकत्ते। तो ये काला इतिहास है 16 अगस्त का, जो हर हिंदू को जानना चाहिए। और इसीलिए 67 साल तक कांग्रेस ने उसमें पर्दा डाला ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन अब एक दौर है सोशल मीडिया का, इंटरनेट के जरिए हम लोग बात कर लेते हैं, तो गोपाल पाठा की कहानी हर घर तक पहुंचानी चाहिए, हर घर तक पहुंचानी चाहिए। हर हिंदू को मालूम होना चाहिए कि गोपाल पाठा कौन थे, कैसे उन्होंने हजारों हिंदुओं को बचाया और कैसे उन्होंने इस मोहनदास करमचंद गांधी को आईना दिखा दिया था उसी कलकत्ते की सड़क पे, कि जाओ पहले तुम एक आंख वाले पूर्वाग्रही महात्मा साधु हो, ढोंग पाखंड मत समझाओ। लेकिन अब फौज लेके गया था वायसराय की, तो ये समझिए ये आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि आज पहले इसका जिक्र करेंगे। बिल्कुल सर, जब हम यूट्यूब पे आए थे मेन स्ट्रीम मीडिया से छोड़ के, तो मेरा पहला वीडियो जो वायरल हुआ था वो जोगिंदर नाथ मंडल वाला था। मुझे आश्चर्य लगा जोगिंदर नाथ मंडल के बारे में, मेरे व्यूअर्स में से 90% लोग जानते ही नहीं थे कि जोगिंदर नाथ मंडल कौन है। इतिहास में ऐसे छुपाया गया जोगिंदर नाथ मंडल को। जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री, जैसे हमारे पहले कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर थे, और अम्बेडकर को जब नेहरू ने हरवा दिया था तो वो जोगिंदर नाथ मंडल ही थे जो पूर्वी बंगाल से अंबेडकर को सांसद बनवाए थे। और वो आदमी वहां पर दलितों के विभाजन में बंगाल के कई हिस्से जोगिंदर नाथ मंडल के कारण पाकिस्तान में चला गया। और आज जो आप सो हिंदू देखते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू हैं, वो 99.9% वो दलित ही हैं, बचे हुए सिर्फ वही हैं, वो जोगिंदर नाथ मंडल के कारण वही वहां रह गए, उसके कारण बर्बाद हो गए। और उस जोगिंदर नाथ मंडल की याद इसीलिए नहीं दिलाई गई ताकि मीम भीम समीकरण का षड्यंत्र यहां चलाया जा सके जोगिंदर नाथ मंडल के सच को। वो जोगिंदर नाथ मंडल भाग करके भारत आया और गुमनामी की मौत मरा, जिस तरह से गोपाल पाठा गुमनामी की मौत मरे। इसीलिए आज गोपाल पाठा को याद करना जरूरी था। सतीश जी ने का बहुत बहुत आभार की, आज मुझे भी याद नहीं था इसको, उन्होंने आज के विषय में जोड़ा, और मुझे लगता है कि इस विश्लेषण को अलग हिस्से से काट करके भी आप सबकी जिम्मेदारी है कि हर एक भारतीय तक पहुंचाया जाना चाहिए कि गोपाल पाठा देश को जरूरत क्यों थी और क्यों उनके इतिहास पर छुपाया गया। और मनीष ये बात और अंत में इतना और बता दूं कि एक बात, जब जब शेख मुजीबुर रहमान के हत्याकांड की बात आती है तो मुझको असीम सुख मिलता है। मैं बता दूं, मैं कभी वो ढोंग पाखंड नहीं कि उसको जवाब मिला था, ये नेहरू कांग्रेस और महात्मा गांधी ने तो उसको क्षमा कर दिया था, लेकिन भगवान ने उसको क्षमा नहीं किया क्योंकि वो हुसैन सईद सुहरावर्दी तो मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री, तो वो तो आदेश दे रहा था और सड़कों पर उतरकर हत्यारों की भीड़ का नेतृत्व करने वाला शेख मुजीबुर रहमान था, तो उसके सामने उसके पूरे खानदान को मारा पाकिस्तानियों ने, पूरे खानदान को। केवल ये जो आज की तारीख में राष्ट्रपति है ये इसलिए बच गई थी क्योंकि ये इंग्लैंड में पढ़ रही थी, और उन्होंने 2 साल 1.5 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा था। बिल्कुल वही कहा थी शेख मुजीबुर रहमान की आंखों के सामने दोहराई थी पाकिस्तानी गुंडों ने, जिस जो कहानी इसने कलकत्ते की सड़कों पर पहले लिखी थी, यानी 30 साल पहले समझिए, बल्कि 25 साल पहले। तो शेख मुजीबुर रहमान का न्याय ऊपर से हुआ था, ऊपर वाले ने किया था कि तुम उसी कुत्ते की मौत मरोगे, तुम्हारा पूरा खानदान। तो मुझको कतई नहीं होता कि जब बंग ना वो बंग बंधु है, वो कलकत्ते का हत्यारा वो भी था, तो एक वो और दूसरे वो जो हुसैन सईद सुहरावर्दी था उसके लिए इतनी जमीन गर्म हो गई, जिस पाकिस्तान के लिए इतना मरा जा रहा था, वो भी पाकिस्तान छोड़ के भागा था, लेबनान में मरा था वो, और उसकी लड़की को यहिया खान ने अपनी रखेल बना लिया था मनीष जी, ये भी दर्शक जान लें। तो ये जितने जिन्होंने एक पाप किए थे उनको उसी तरह से जवाब मिला था,
और वो जब यहिया खान की रखेल थी, जब यहिया खान का जी भर गया तो फिर पाकिस्तान के और जो कर्नल जनरल ब्रिगेडियर थे वो सार्वजनिक रखेल हो गई थी। तो उसको एक ही लड़की थी, एक लड़का था, लड़का भाग के इंग्लैंड चला गया था और लड़की वहां पे पाकिस्तान में। और ये मनीष जी, ये कर्म कब हुए थे तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जब बांग्लादेश का भारत पाकिस्तान का विभाजन होकर बांग्लादेश बन चुका था, तो पाकिस्तानियों ने जब बांग्लादेश में घुसकर बलात्कार किए थे, तो उसकी लड़की जब पाकिस्तान में थी तो सोच लीजिए किस तरह से। मैंने कहा यहिया खान की रखेल थी और बाद में वो कामर रखेल हो गई थी। तो उसको जो है परिणाम ऊपर वाले ने उसका फैसला किया था। लेकिन यहाँ पाप जो है ये नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, जो हजारों हत्या के बाद उन हत्यारों को क्षमा दान करने की अपील करने वायसराय की गाड़ी में शाही दामाद बन के गया था ये। इसलिए 16 अगस्त का इतिहास बहुत कड़ुआ है, लेकिन इसको जानना हर आदमी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। और बहुत षड्यंत्र के साथ इस देश को यही बताया गया कि गांधी निकला अपने चेले नेहरू के साथ और भारत को आजादी दिला दी गई। इस षड्यंत्र में हर किसी को भुला दिया गया, सरदार पटेल तक को भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी, और वीर सावरकर जैसे तपस्वियों का तो, बलिदानी का तो अपमान ही किया गया, लेकिन गोपाल पाठा जैसे बलिदानी को भुला दिया गया इतिहास में। इसीलिए ये समझना जरूरी था, इसलिए इस षड्यंत्र को समझना, ये मीम भीम समीकरण, ये गंगा जमुनी नहीं तहजीब की जो साजिश की जाती है, उस षड्यंत्र को समझिए। नहीं नहीं मनीष जी, गोपाल पाठा को भुलाना, उनको बिल्कुल गुमनाम कर देना, इनकी मजबूरी थी। इनकी मजबूरी इसलिए थी क्योंकि गोपाल पाठा की कहानी, वो जो इस देश के बाप और चाचा बन गए बिना पता नहीं कौन से रिश्ते से, उनके मुंह पे काली पोत देती है। ये बाप किस कितना क्रूर, कितना कमीना किस्म का बाप बन गया था इस देश का, कि हजारों हत्याओं के बाद इस तरह के उसका आचरण था। तो इनको, इनकी तो मजबूरी थी कि गोपाल पाठक को कहीं कोने में डाल दिया जाए, उसका कहीं कोई जिक्र ना हो। ये दर्शक जान ले कि जब से मोदी सरकार आई है तब उसके बाद उनका थोड़ी चर्चा शुरू हुई, अन्यथा वो केवल बहुत से लोग जानकार जो थे बंगाल के उन्हीं को मालूम था। गोपाल पाठक की कहानी कभी सार्वजनिक नहीं हुई। बिल्कुल सर, इसीलिए हमने ये सोचा कि आज डायरेक्टर एक्शन डे को भी याद किया जाए और इसी बहाने गोपाल पाठा जी को समझा जाए।